Hi guys, I am Chandan Kumar and you are watching Experimental Flux. Actually, मैं इस टॉपिक पर पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसका ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी कुछ ठीक ठाक नहीं रहा। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि इस टॉपिक पे प्लीज़ एक नया वीडियो बनाने को। और इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ 12 वोल्ट बैटरी चार्ज करने के लिए। एक तो हमारा वही जो ट्रांसफार्मर यूज करके बनाते हैं वो वाला, और दूसरा जो हम अपने फ़ोन चार्जर को भी यूज करके आपस में कनेक्ट करके 12 वोल्ट बैटरी चार्जर बनाया जा सकता है। वो तो मैं आपको आगे की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे कितना चार्जर कनेक्ट करना है। एक चार्जर से तो होने वाला है नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, वो एक चार्जर सिर्फ 5 वोल्ट ही डीसी आउटपुट देता है, और जो कि हमें चाहिए मोर देन 12 वोल्ट। यदि आपका फ़ोन चार्जर ख़राब हो जाता है तो आप उसे फेंकें नहीं, क्योंकि ज़्यादातर चार्जर पिन ही खराब होता है, मेन सर्किट ठीक ठाक ही रहता है। जब मेन सर्किट ठीक ठाक है तो हम उसे और भी कुछ यूज में ला सकते हैं, या फिर न्यू चार्जर पिन खरीद करके फिर से अपना फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा ट्रांसफार्मर जो मैं यूज करने वाला हूँ, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर 10 एम्पियर का, और जो मैं इसको यूपीएस से निकाला हूँ, देख सकते हैं यूपीएस का ही है। ये हमारा एसी इनपुट, और ये डीसी आउटपुट। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता पता करना कि कौन सा इसमें डीसी, एक्चुअली इसमें ऐसा दे रखा है, इधर ही डीसी भी दे रखा है, इधर एसी इनपुट भी दे रखा है, थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का है। ऐसे तो इधर डीसी है, ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में सिर्फ इधर से डीसी और इनपुट रहता, दूसरे साइड से आउटपुट रहता। तो चलिए मैं इसे पहले 200 वोल्ट पे फिक्स कर देता हूँ। या एग्जैक्टली 200 ही है। तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। देख सकते हैं आ रहा करंट, हमारा ट्रांसफार्मर चेक हो गया, ठीक है। इसे बंद कर देते हैं। और जो जो आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले 4 डायोड्स चाहिए फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको 4 डायोड चाहिए, एंड द नंबर इज 5408, डायोड नंबर 5408। आप इसे मार्केट में जाकर परचेज कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में। और ये एक सिंगल डायोड से हम 6 वोल्ट बैटरी चार्जर आराम से बना सकते हैं, सिंगल डायोड यूज करके, क्योंकि ये हमें जब सिंगल वोल्ट लगाएंगे, सिंगल डायोड लगाएंगे तो ये हमें 6 वोल्ट आउटपुट देता है, और ये हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। जबकि ये 4 डायोड को मैं आपस में कनेक्ट करूँगा तो ये फुल वेव रेक्टिफायर बनाता है, और ये 16 वोल्ट 17 वोल्ट यही एग्जैक्टली अप्रॉक्स और डीसी आउटपुट देता है। ये कनेक्ट करने के लिए मैं बताता हूँ, और एक कैपेसिटर की भी जरूरत है। ये हमारा कैपेसिटर है, एंड वैल्यू इज 680 माइक्रोफैराड, देख सकते हैं। तो सबसे पहले चेक कर देते हैं ये हमारा एक डायोड से कितना वोल्ट आउटपुट देता है। ये कनेक्ट किया इसे साइड, पावर ऑन, देख सकते हैं ऊपर लगा, ये हमें 7.9 वोल्ट या एग्जैक्टली 8 वोल्ट दे रहा है।
मीन्स हम 8 वोल्ट बैटरी चार्ज आराम से कर सकते हैं जब ये हाफ वेव रेक्टिफायर लगाया तो, यानी सिंगल डायोड। तो मैं आपको दिखाता हूँ फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए। तो ये हमारा डायोड है और इसको कनेक्ट करने के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए मैं एक और ऐसे वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक फॉलो कर सकते हैं, या मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा कैथोड साइड, एनोड साइड। सबसे पहले सिंपल तरीका, जो दो डायोड लें और कैथोड कैथोड को एक साइड कनेक्ट कर लें। तो ये मैं लिया और इसे कनेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट एनोड को एक साइड कनेक्ट कर देते हैं। या फिर आप डायोड में देख सकते होंगे एक साइड थोड़ा सा मार्क किया हो रहता है, तो आप दो डायोड को मार्क एक साइड कनेक्ट कर दें, या जिधर अनमार्क है उसको ऐसा रहने दें, और दूसरे में जो अनमार्क है उसको एक साइड कनेक्ट कर दें, जो मार्क है उसको ऐसे रखने दें। अब ये दोनों जो बचा इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। ये जो हमारा कनेक्ट हो रहा है, ये रहा हमारा क्या, ये एक मार्क अनमार्क ये हमारा ट्रांसफार्मर में जाएगा स्टेप लाइक दिस। और जो रिमेनिंग दो साइड था, ये एनोड मीन्स मार्क साइड एंड अनमार्क साइड, ये हमारा बैटरी के लिए प्लस माइनस आउटपुट होगा, बैटरी चार्ज करने के लिए प्लस माइनस आउटपुट देगा। और इसी बीच हम कैपेसिटर भी लगा देंगे ताकि हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट ना करे और वोल्टेज इंक्रीज भी करता थोड़ा बहुत। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा विदाउट कैपेसिटर और कैपेसिटर के साथ ही इसे कनेक्ट कर देता हूँ ट्रांसफार्मर के साथ। एक्चुअली ये ट्रांसफार्मर से हम दो 12 वोल्ट बैटरी चार्ज कर सकते हैं, देख सकते हैं इस साइड भी दिया हुआ है। एक्चुअली वो तो इन्वर्टर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं दो बैटरी चार्ज करने के लिए। ये हमारा जो हो गया कनेक्ट, ये रहा हमारा बैटरी प्लस बैटरी माइनस। इसी बीच हम कैपेसिटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए पहले मैं ऐसा ही चेक करता हूँ ये हमारा कितना वोल्ट आउटपुट दे रहा है। 200 वोल्ट एसी को सेट करता हूँ तो देखिए ये 13 वोल्ट दे रहा, इसको प्लस माइनस ऐसे या 13 अप्रॉक्स 14 वोल्ट हमें आउटपुट दे रहा। ये तो शायद 200 वोल्ट से भी कम है, इसके कारण दे रहा है 200 वोल्ट से थोड़ा सा कम ही है। मैं इसे एग्जैक्टली 200 वोल्ट करता हूँ। अब देखते हैं कितना आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं 15 वोल्ट आउटपुट प्लस में, या 15 मीन्स 15.5 वोल्ट एग्जैक्टली डीसी आउटपुट। और इसके बाद यदि कैपेसिटर यूज कर देते हैं तो देखते हैं कितना वोल्ट हमें इंक्रीज होता है। ये हमारा माइनस
अभी हमारा वोल्टेज चेक किए थे तो 15.5 वोल्ट, अब देखते हैं कितना आता है। सेट, वाओ 22 वोल्ट। देख सकते हैं कैपेसिटर लगाने के बाद हमारा जो 15.5 वोल्ट था अब 22 वोल्ट हो गया है। और मैं यहाँ पर कैपेसिटर यूज कर रहा हूँ, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, 680 माइक्रोफेरेड का। देख सकते हैं फिर से 22.0 वोल्ट या। और हमारा ये बैटरी शायद डिस्चार्ज हो गया, चार्ज हो गया 11.7 वोल्ट। अब ये रहा हमारा बैटरी चार्ज करने के लिए, ये जो दो वायर यहाँ से निकला जिसमें हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। दो वायर लेकर के कनेक्ट कर देते हैं, पावर ऑफ। देख लेते हमारा कितना वोल्टेज अभी तो कितना 20 प्लस माइनस की जगह दिस वन इज प्लस दिस वन इज माइनस, एग्जैक्टली करेक्ट 22 वोल्ट। दिस वन इज द प्लस प्लस साइड, दिस वन इज द माइनस माइनस साइड। देखते हैं हमारा बैटरी लोड तक चार्जिंग स्टार्ट, ये प्लस ये माइनस, अभी बता रहा है 11.7 वोल्ट। जब मैं चार्ज अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चार्जर से, फोन चार्जर से कैसे 12 वोल्ट बैटरी चार्ज करेंगे, मींस जो भी हमारा चार्जर है फोन चार्जर उसको कैसे कनेक्ट करें, किस वे में कनेक्ट करें ताकि हमें डीसी आउटपुट 12 वोल्ट से ज़्यादा मिल जाए। तो अब मैं इसे हटा देता हूँ, ये तो हमारा हो गया ट्रांसफार्मर वाला चार्जिंग। और आपको मिनिमम 3 चार्जर्स की ज़रूरत होगी, तो देख सकते हैं 3 चार्जर हमारे पास चाइनीज है। और इसका पिन मैंने काट रखा है, तो चलिए मैं देखता हूँ सबको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा 3 चार्जर, 1, 2 एंड 3। चलिए चेक कर लेते हैं एक चार्जर हमें कितना डीसी आउटपुट दे रहा है। ये हमारा माइनस प्लस, ये एग्जैक्टली 5.4 वोल्ट। सेकंड वन माइनस प्लस
5 volt. Third, yeah, 5 volt. तो इसको हमको इस तरह कन्वर्ट कनेक्ट करना है सीरीज कनेक्शन में. सीरीज मीन्स एंड टू एंड. एंड टू एंड हेयर मीन्स एक चार्जर का प्लस तो दूसरे का माइनस तो तीसरे का प्लस. ये देख सकते हैं हमारे पास तीन है, तो मैं फर्स्ट का लेता हूँ प्लस, सेकंड का मैं माइनस में कनेक्ट कर देता हूँ. ये कनेक्टेड. अब चेक करते हैं हमारे पास कितना वोल्ट आ रहा है. या 11 वोल्ट. जैसे मैंने दो चार्जर को कनेक्ट किया 11 वोल्ट आउटपुट देने लगा. अब मैं क्योंकि हमको तो 12 वोल्ट चार्ज करना है ना, तो 11 से तो काम चलेगा नहीं, 12 से ज़्यादा ही होना चाहिए. तो ये थर्ड का प्लस माइनस मीन्स अपोजिट टर्मिनल में बस आपको कनेक्ट करते जाना है, वही सीरीज कनेक्शन. चलिए अब चेक करते हैं कितना डीसी आउटपुट मिल रहा है. देखिए 16.5 वोल्ट. अब हम इसे बैटरी में कनेक्ट कर, और हाँ एक बात, हम इसे डायरेक्ट बैटरी में नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो चार्जर होता है ज़्यादातर तो चाइनीज चार्जर में कभी देता ही नहीं अंदर डायोड. तो हमारा चार्जर शॉर्ट सर्किट भी कर सकता है. जैसे मैं यहाँ प्लस माइनस में लगा दूंगा तो शॉर्ट सर्किट भी होने का डर रहता है, क्योंकि चाइनीज चार्जर में ज़्यादातर तो देता ही नहीं है ना डायोड, इसलिए वो हमारा बैटरी का ही रिवर्स करंट उसमें चला जाएगा चार्जर में. इसलिए हमको यहाँ पे एक डायोड यूज करना होगा, एक सिंगल डायोड यूज कर लेते हैं. ये हमारा वही सेम डायोड, नंबर इज 5408. इसको कनेक्ट करने के लिए एक्चुअली डायोड क्या है, डायोड एक रिवर्स बायस्ड पे काम करता है. मीन्स रिवर्स बायस्ड मीन्स ये एक तरफ से करंट को जाने देता है, दूसरी तरफ से रोक लेता है. तो हमारा यहाँ पे क्या मकसद है कि हमारा जो चार्जर है, चार्जर से करंट आए बैटरी में, बट बैटरी का करंट उसमें नहीं जाए. इसी तरह इसमें कनेक्ट करेंगे. ये जो हमारा इधर मार्क लगा हुआ है मीन्स उधर से आने के लिए रोकेगा, रोक लेगा सारा करंट को. मीन्स बैटरी से चार्जर में हमारा करंट नहीं जाने देगा, जितना भी है सब वही चार्जर से बैटरी में आ जाए. तो इसको मैं प्लस में कनेक्ट कर देता हूँ. प्लस चलिए चेक कर लेते हैं सब ठीक ठाक है या नहीं. ये हमारा माइनस प्लस, या देख सकते हैं नो डिफरेंस. 16 वोल्ट पहले भी था 16 वोल्ट. अब इसे हम कनेक्ट कर देंगे ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ. ये हमारा बैटरी चार्ज होने लगा. एक्चुअली जब हम चार्जर से चार्ज करेंगे, फ़ोन चार्जर से बैटरी चार्ज करेंगे एक्सेप्ट ट्रांसफार्मर के बजाय, एक ट्रांसफार्मर की जगह, तो थोड़ा देर में चार्ज होगा. ये इसका डिसएडवांटेज है, यही समझ लीजिए. और क्या, चार्जर से थोड़ा देर में चार्ज होगा ये हमारा 12 वोल्ट बैटरी. यदि ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो चार्जर के कंपेरिजन में तो फास्ट चार्ज करेगा ही. तो और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप बिना डायोड लगाए बैटरी चार्ज ना करें, क्योंकि इससे आपका चार्जर भी ख़राब होने का डर रहेगा. तो मेन सर्किट में शॉर्ट सर्किट चला जाएगा, क्योंकि जो बैटरी जितना भी आपका चार्ज है पहले से, वो तो सारा करंट वोल्टेज चार्जर में चला जाएगा. वहाँ पे जो भी है अप्लाइंसेस उसके अंदर लगा हुआ है, जितना भी डायोड रेजिस्टेंस वो सब शायद जल सकता है आपका. तो और जो मैं फर्स्ट
फर्स्ट तरीका बताया तो ये भी थोड़ा बहुत हीट हो गया है, चार्जिंग स्टार्ट कर। और जो मैं फर्स्ट वाली पार्टल बता रहा था जो ट्रांसफार्मर से चार्ज करने के लिए, आप उसमें वो तो ट्रांसफार्मर तो हो ही गया, उसको आप कोई कवर में पैक कर दीजिए या फिर कोई कार्टून जो भी हो आप उसको उसमें सेट करके चार्जिंग कर सकते हैं बैटरी। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।